लोग ना जनरली कहते थे यार इलेक्ट्रिक जो 3 पहिया गाड़ियाँ आ रही ना उनमें ना मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए, मतलब मेरे को जो आप जनरली क्या होता है छोटा छोटा रिक्शा आता है, बट ये एक बड़ा ऑटो चाहिए। तो ये बड़ा ऑटो बना दिया ओमेगा साकी मोबिलिटी ने, नाम है स्ट्रीम। अब साथ में लोगों ने कहा कि भैया हमारे पास दिन में 2 शिफ्ट लेनी है, दिन भर हमें गाड़ी चलानी है, हम तो 2 ड्राइवर चलाते हैं, एक के बाद एक चलाते हैं, हमें ना वो चार्ज करने के लिए 3 घंटे रुकना नहीं है, 3.5 घंटे हम रुकना नहीं है, हमें बूस्ट कर दो भाई कुछ। तो इन्होंने क्या किया, गाड़ी तो बड़ी बनाई रखी थी, बड़ा चौड़ा गाड़ी था, सब बैठ सकते थे, गाड़ी बढ़िया स्पीड पे चलता था, 45 का टॉप स्पीड आता था, बट इन्होंने क्या किया स्वैप ऑप्शन दे दिया, मतलब ये कि अब आपको गाड़ी की बैटरी चार्ज करने के लिए रुकना नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधे आपने गाड़ी से पीछे से बैटरी निकाल ली, चार्जिंग स्टेशन डाली और वहां से चार्ज बैटरी लेके गाड़ी में डाल दी। मतलब आप क्या कर रहे हो कि गाड़ी को कंटीन्यूअसली चला सकते हो, विच इज़ लाइक अ रियली फैंटास्टिक थिंग। तो ये कुछ है इस गाड़ी के बारे में जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो पसंद आएगा और ये गाड़ी उससे ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट के साथ में गाड़ी निकाला है वो कॉन्सेप्ट बहुत दिनों से मार्केट में डिमांडेड था और ज़रूरी भी था। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को जिसमें आप जानोगे एक स्वैपेबल स्ट्रीम रिक्शा के बारे में जो कि आता है ओमेगा साकी मोबिलिटी के घर से। D+3 की ऑफिशियल पासिंग में आता है, बट स्पेस उतना है कि 10 लोग भी बैठा लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, बट कभी बैठाना मत। मैं रमन नायक बैंड द व्हील्स में स्वागत करता हूं आपका। चलिए शुरू करते हैं हम ये वीडियो। दोस्तों ये है OSM का स्ट्रीम। अब इस स्ट्रीम के बारे में जैसे मैंने इंट्रो में इतनी सारी चीज़ें बताई उसमें एक चीज़ आपको अच्छी लगेगी वो ये कि इसमें भर भर के स्पेस दिया है। हम भारतीयों को स्पेस अच्छा लगता है, देखो पास होने को तो एक छोटी ऑटो होती है ना वो भी पास आती है, बट ऑटो अगर ये बड़ी बनाई है तो भाई कुछ कारण से बनाई होगी और वही बताता हूँ आपको। बड़े बड़े हैलोजन हेडलैम्प्स दिए हुए, बढ़िया बड़ी सी विंडशील्ड दिया ताकि भाई चारों तरफ पैनारोमिक व्यू ले लो, एकदम कहीं से व्यू ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, बढ़िया सा OSM का लोगो। और सामने की तरफ आपको क्या देखेगा, सामने की तरफ आपको बढ़िया सा एक मडगार्ड देखेगा। अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो आपको एक बढ़िया हेलिकल शॉक एब्जॉर्बर भी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से ब्रेक्स वगैरह लगते हैं क्योंकि इसके अंदर ड्रम है और ड्रम में ड्रम ब्रेक्स लगते हैं, सामने की तरफ ड्रम ब्रेक्स आता है। 4.5x10 मतलब 10 इंच के इसमें जो है वो टायर दिए हुए हैं, टायर सर डिसेंट है, टायर वगैरह चौड़े हैं, ऐसा नहीं ईवी की तरफ पतली वाले साइकिल वाले टायर नहीं दिए, प्रॉपर इसमें लोडिंग के हिसाब से टायर दिए, विच इज़ लाइक रियली नाइस। और आपको वहाँ भी स्ट्रीम दिखेगा, यहाँ भी स्ट्रीम लिखा हुआ दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये जो है वो OSM का स्ट्रीम है। इनका एक स्ट्रीम सिटी भी आता है, उसका वीडियो आपको चैनल पे अलग से मिल जाएगा। फिलहाल आपको स्ट्रीम की बात करते हैं, स्ट्रीम जो है इनका बड़ा वाला है और स्ट्रीम सिटी जो है वो थोड़ा सा छोटा इससे बैठता है। अगर आप देखोगे तो हेडलैम्प्स के अलावा वाइपर वगैरह की सेटिंग्स वगैरह जो लगाई हैं, गेट वगैरह जो लगाए, मिरर्स वगैरह जो लगाए, वो एकदम सब सही लगाए, कोई दिक्कत उसमें नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टिकर यहाँ देखने को मिल जाता है, विच इज़ नाइस। अब मैं अंदर की तरफ केबिन में बाद में बात करूँगा, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ये गाड़ी अब डिलीवर होगी तो याद रखना यहाँ पे ना गेट आ जाएंगे, अभी गेट नहीं लगा रखे अब क्योंकि गाड़ी की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या इन्होंने एक स्टेप बना रखा है, जैसे कोई अगर फीमेल चढ़ रही है, कोई बच्चा चढ़ रहा है तो वो यहाँ से आराम से चढ़ सकता है, मतलब इधर पर बैठ के आराम से चढ़ सकता है। मैं तो भाई 6 फीट का हूँ, मेरे को तो दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं बता रहा था ना गाड़ी बड़ी बनाई, अब यहाँ देखो ये सीट पीछे की तरफ है, मतलब देखो यहाँ से भी जगह बची हुई, यहाँ भी 4 इंच की जगह बची हुई, फिर मेरे पैरों के आगे देखो कितनी जगह है। मतलब हम जब छोटे थे तो एक ऑटो वाला, हालांकि सेफ नहीं होता वो, तो ऑटो वाला यहाँ पटिया बना के हमें लेके जाता था, तो उसमें इतनी स्पेस भी दे रखी, मतलब अगर कोई बंदा एक पूरे फुल साइज ट्रॉलर के साथ भी बैठ जाए ना आगे की तरफ तो बैठ सकता है, तो जो हमें एक्चुअली रिक्वायर्ड होती है। और ऊपर की तरफ सिर भी अगर नहीं टकरा रहा है कहीं, वो अच्छी चीज़ है। पीछे की तरफ जगह है सामान रखने की, मतलब पीछे की तरफ ना आप आराम से 2 बैग रख सकते हो, 2 ट्रॉलर रख सकते हो, इस सीट को आगे पीछे सरकाया जा सकता है। अगर आपको पीछे की तरफ ज़्यादा जगह निकाली तो सीट को थोड़ा सा आगे की तरफ कर लो, बाकी सीट में 3 लोग आराम से बैठेंगे, कंफर्टेबली बैठेंगे। और मैं तो कहता हूँ अगर 2 बंदे खाली तो वो चवन्नी में गुल्लक में जैसे चवन्नी घूमती है ना, मतलब सिक्का घूमता है भाई खाली उसके गुल्लक के अंदर, वैसे ही होने वाला है। बाकी यहाँ भी स्ट्रीम लिखा हुआ है, आपको 3M रिफ्लेक्टिंग टेप दिख जाएगा और ऊपर की तरफ सॉफ्ट कैनोपी, विच इज़ लाइक रियली नाइस। डोर्स वगैरह की विद वगैरह बढ़िया है। और यहाँ पे आप देखोगे टायर्स वगैरह, तो टायर्स वगैरह में जबरन बहुत बड़े करने की कोशिश नहीं करी क्योंकि उनसे फिर रेंज नहीं निकलती, तो गाड़ी की रेंज निकले लगभग 100 के आसपास आराम से, रियल वर्ल्ड में रेंज दे दे उस हिसाब से गाड़ी को बनाया। 4.5x10 मतलब 10 इंच के टायर यहाँ पे हैं। पीछे की तरफ अगर शॉकअप्स वगैरह की बात करोगे अच्छी चीज़ है। नीचे की तरफ से अगर चैसी देखने की कोशिश करेंगे हम, अगर कैमरा मैन हमारे नीचे चैसी दिखाएंगे तो आप देखोगे कि भाई ऐसा नहीं है कि इन्होंने चैसी जो है ना वो बहुत अलग बनाई हो, मतलब कुछ अलग प्लेटफॉर्म पूरा तैयार किया हो, जो उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म थे जिस पर भरोसा कर रहे थे, रिलायबल थे, उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को कहीं ना कहीं एक्सटेंड किया हुआ है वो चीज़ें। अगर आप याद देखोगे तो अंदर की तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट मिलना चाहिए, बट भैया इसमें चार्जिंग पोर्ट नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं कि उसका मैं कारण बताता हूँ, कि जो स्ट्रीम वाला नॉर्मल वाला आता है उसमें 120 किलोमीटर की रेंज मिलती है। अब ये स्ट्रीम जी वाला ये स्वैपेबल वाला स्ट्रीम है और इसमें क्या है कि जादू दे रखा है, और जादू यहाँ है कि भैया आप इसको ना 24 घंटे भी लगातार नॉन स्टॉप चला सकते हो। अब उसको करंट उसको कैसे चला सकते हो मैं बता देता हूँ आपको। तो अब जादू इसका यहाँ है क्योंकि इसमें जो है बैटरी है जो फिक्स्ड नहीं है, स्वैपेबल बैटरी है। स्वैपेबल बैटरी का मतलब क्या है भाई, ये जो बैटरी है इसका आपने यहाँ से लॉक खोला, लॉक खोलोगे ढक्कन खुल जाएगा, ढक्कन खुलने के बाद अंदर की तरफ आपको बैटरी दिखेगी। अब इस बैटरी पे यहाँ पे इस बटन को दबा के रखिए, जैसे ही आप बटन को दबा के रखेंगे तो ये सारी जो आपको दिख रही है ना ये बैटरी जो है ना वहाँ से निकल सकती है। अब ये बैटरी यहाँ से निकल गई, अब आपने ये बैटरी को निकाल लिया, देखिए अब आप क्या करो
कि ये बैटरी को इसके चार्जिंग स्टेशन में डाल दो, तो ये बैटरी क्या हो जाएगी, ये बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएगी। और साथ में आप क्या करो कि वहाँ से एक फुल्ली चार्ज बैटरी ले लो, एक या तीन जितनी आपकी गाड़ी में लगती, तीन लगती हैं, चार लगती हैं। इसमें ये 2.1 किलोवाट आर की बैटरी है, ऐसे तीन लग के 6.3 किलोवाट आर की पूरी पूरी पावर बनाती है। इसलिए नहीं सर बैटरी देखोगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, बैटरी भी जो है वो काफ़ी बढ़िया, और इसको इसका वेट वगैरह भी ऐसा नहीं ज़्यादा हो कोई दिक्कत हो, आप इसको आराम से रख सकते हो। और ये हो गया लॉक, इतना ही सिंपल है। साथ में आपकी बैटरी कोई डैमेज ना हो तो ये वाला लॉक भी दे रखा है भाई, ऊपर से जाली वगैरह लगा के दे रखी है, तो ये भी लॉक हो गया। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी आसान बनाती हैं इससे साथ ज़िंदगी को, क्योंकि OSM का स्ट्रीम है भैया, तो आपके पैसों को कभी भी स्ट्रीम आने से रोकेगा नहीं। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगती है कि स्वैपेबल का ऑप्शन दे दिया, इनकी तो पूरी स्वैपेबल सीरीज़ आती है, मतलब आप चाहो तो स्ट्रीम में ले लो, स्ट्रीम सिटी में ले लो, या फिर रेंज प्लस में ले लो, जिसमें चाहिए उसमें स्वैप वाली बैटरियाँ दे देते हैं। अब यहाँ पे आप देखो तो ये देखो आपको यहाँ पे चीज़ें दिख जाएंगी देखने को, वो बढ़िया इंडिकेटर लाइट वगैरह चीज़ें देखने को मिलती हैं, विच इज़ लाइक रियली नाइस। और यहाँ पे आप देखो कि स्क्रीन वगैरह लिखा हुआ है, मैंने आपको बैठ के बता दिया कि भाई कितना बढ़िया लगता है बैठ के। ड्राइवर सीट से बता देता हूँ, देखो हमें क्या है ना, एक आदत है भारत में ये कि या तो लोग ऐसे चलाते हैं, मतलब ये मैं तीन बजे वाले को बोलूँगा इस बंदे को तो और क्या नहीं करना, इस बंदे को तो और क्लच नहीं करनी, तो क्लच नहीं करना तो हम तो और इधर बैठेगा, तो इस कारण से क्या होगा ना फायदा, तो इस बंदे को तो और इधर से ना, तो क्या दिक्कत होगी ना कि ये देखो सीट कितनी चौड़ी है, मतलब बहुत चौड़ी सीट कंपनी दे रखी है, नहीं अलग से लगवाया उसको, गद्दी वगैरह कुशन वगैरह बढ़िया है। यहाँ पे आपको एक्सलेटर वगैरह मिल जाएगा ताकि रेस वगैरह आप दे सको, बढ़िया गाड़ी को दौड़ा सको। 40-45 के आसपास इसकी टॉप स्पीड आती है, 45 के आसपास गाड़ी खूब दौड़ती है। यहाँ आपको मोड दे रखे हैं रिवर्स, फॉरवर्ड और न्यूट्रल वाले, वो एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है हज़ार्ड लैंप्स, मेन हेडलैम्प्स और वाइपर वगैरह के कंट्रोल्स मिलेंगे, और यहाँ पे आपको जो पूरे का पूरा डिस्प्ले मिलता है। और डिस्प्ले के अंदर आपको क्या कुछ मिलता है, तो आप कितने किलोमीटर चले हो, क्या आपने ट्रिप वगैरह सेट करी है, क्या स्पीड पे आप चल रहे हो, कितना गाड़ी में बैटरी परसेंटेज है, यहाँ पे कौन सा मोड लगा, जैसे बूस्ट मोड लगा हुआ है तो वो दिख जाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाता है, ट्रिप वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको देखेंगे। यहाँ पे आपको एक लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिलेगा, जिससे कि आप जो है वो कहीं ना कहीं आपका सामान रख सकते हो अगर आपको कोई सामान वगैरह है। और यहाँ पे एक लाइट दिख जाएगी जो कि बढ़िया लगती है, पैसे वैसे गिनने रात को थोड़ी बहुत चीज़। और यहाँ पे एक बॉटल होल्डर है, विच इज़ लाइक रियली नाइस। ओवरऑल अगर इसका कॉन्सेप्ट देखोगे तो मुझे पसंद आता है। अगर नीचे की तरफ स्टेप नहीं देखने को मिलेगी, और यहाँ पे एक ऑक्सिलरी बैटरी रखी होती है, अगर मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे एक ऑक्सिलरी बैटरी, जिससे कि मेन हेडलैम्प्स वगैरह में पावर कम नहीं होती, और ड्राइवर कंफर्टमेंट भी काफ़ी बढ़िया आपको ओवरऑल देखने वाला है। अब अच्छी बात यह कि इस गाड़ी के बारे में सबसे जो खास चीज़ है वो ये कि इसमें भर भर के स्पेस दिया हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं और वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं और आपको बता दें कैसी है। उससे पहले एक लास्ट चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे मोबाइल चार्जर है, क्योंकि अब दिन भर गाड़ी चलाओगे तो पानी पीने के लिए बॉटल होल्डर और मोबाइल चार्ज करने के लिए मोबाइल चार्जर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आपको पता है ओला उबेर से लेकर सारी चीज़ें हमारी ऑनलाइन ही हो गई, तो आपको राइड भी हो चाहे रैपिडो हो जाए चाहे कोई भी हो जाए, आपको किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर राइड बुक करनी है, सवारियाँ वहाँ से लेनी, तो आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी, तो मोबाइल चार्ज रखना ज़रूरी है, तो मोबाइल आपका फुल्ली चार्ज यहाँ पर रहता है। अब चलो चलते हैं, हम करते हैं वीडियो को कंक्लूड। दोस्तों ये सारी बातें थी इस गाड़ी के बारे में। अब गाड़ी जो है ना ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लगती है, स्पेशली स्वैप टेक्नोलॉजी के सहारे में जब आपकी 70 से लेकर 80 किलोमीटर तक की रेंज आ रही है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपने बैटरी डिस्चार्ज हो गई उसको डाला स्टेशन में, जब भी आपका चार्ज हो गया उसको लगाया और आपका काम चल जाएगा, तो बैटरी की वारंटी की भी चिंता करने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी बात तो स्पेशियस है, भर भर के स्पेस डाला, जितना स्पेस डाल सकते थे जितनी जगह कर सकते थे उतनी जगह करिए। आप चाहो तो एयरपोर्ट से 3 पैसेंजर्स को फुल लगेज के साथ में लेके आओ, चाहे आप कितने भी पैसेंजर्स को कितने भी लगेज के साथ लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं आने, समस्या स्पेस के मामले में अंदर की तरफ नहीं है। 45 की टॉप स्पीड आपको काफ़ी हैप्पी रखेगी शहर के अंदर, स्पेशली दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भर रहा है, वहाँ के लिए बहुत अच्छा ऊंचाई दे रखी है, लगभग 240 mm का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है हमारे मतलब भारतीय कंडीशन के हिसाब से। साथ में डैम्पर्स वगैरह दे रखे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो हमारे डीजल पेट्रोल वाली सीएनजी वाली गाड़ियों में जो प्लेटफॉर्म आता था उससे भी बढ़िया प्लेटफॉर्म, मजबूत प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं कंपनी ने इंट्रोड्यूस करके रखा हुआ है, तो वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है OSM की स्ट्रीम के बारे में। अब आपको अगर गाड़ी खरीदनी है तो नीचे की तरफ नंबर दे रखा है, उस नंबर पर आप कॉल कर लो और आप वेबसाइट वगैरह विजिट करके चीज़ों को इंक्वायरी करके पता कर सकते हो। अब अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, नीचे नंबर वगैरह दे रखा है, वहाँ पे कॉल वगैरह आप लगा सकते हो। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद कर रहा हूँ पसंद आया वीडियो आपको, मैं ओवरऑल सारी चीज़ें बता पाया हूँ कि 70-80 की रेंज जो आपके लिए मेन है, और बाकी 6.3 किलोवाट आवर की बैटरी जो कि स्वैपेबल टेक्नोलॉजी के साथ में आती है, और 45 की टॉप स्पीड और 3 लोगों के बैठने के ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन में क्षमता। बस अब मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय वंदे मातरम। सब्सक्राइब नहीं किया तो आप करके जाओ, लाइक करोगे वीडियो को तो और भी लोगों को वीडियो देखने में मदद मिलेगी।